हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पे एक कप चने की दाल को मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगा दिया था। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। तो इसमें डालेंगे पहले हम पीसने के लिए छोटा सा टुकड़ा है अदरक का, यहाँ पे 8 से 10 यहाँ पे लहसुन है, 4 से 5 हमने हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डालिए, जितना तीखा आप पसंद करते हैं। यहाँ पे 1/2 टीस्पून हमने डाला है जीरा। अब इनको हमको पीसना है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। पीसने के लिए जितनी पानी की ज़रूरत होगी ना, सिर्फ उतना ही डालिए। अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो यहाँ पर हमने जो चने की दाल है उसको पीस लिया है, बहुत बढ़िया तरीके से पिस गई है। यहाँ पर सिर्फ कलर के लिए हमको डालना है हल्दी, तो हल्दी डाल दीजिए थोड़ी सी। लाल मिर्च का पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है, इसलिए थोड़ा सा डालेंगे नमक, इससे ज़्यादा इस पर कुछ नहीं पड़ेगा। तो बस यहाँ पे हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे ना एक ही डायरेक्शन में हम इसको आधे से 1 मिनट के लिए अच्छे से दाल को फेंट लेंगे, तो दाल जो है हमारी थोड़ी सी, इसका कलर जो है वो हल्का हो जाएगा और ये थोड़ी सी फूल जाएगी। इसको करने से क्या होगा कि जब हम इसको ना स्टीम करेंगे तो ये बाद में बिल्कुल टाइट या कड़क सी नहीं होगी, ये अंदर से जो है ना वो सॉफ्ट रहेगी। तो बस क्योंकि हम इसके अंदर कोई सोडा वोडा नहीं मिला रहे हैं, इसीलिए बस आधे से 1 मिनट के लिए इसको फेंट लेना है। देखिए दाल का कलर चेंज हो गया है और हल्की हो गई है दाल। बस यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि एक स्टीमर हमने तैयार कर लिया है, पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और इस प्लेट पे हमने लगा दिया है तेल। तो हम क्या करते हैं कि इस प्लेट को हम रख देते हैं अपने स्टीमर में। तो पानी देखिए यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो इसको पहले प्लेट को हम रख देते हैं और उसके बाद हम डायरेक्ट इसी में जो है हम अपनी बफौरी बना के रेडी करेंगे। तो बस जैसे हम बढ़िया बनाते हैं ना, बढ़िया बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमको इसमें प्लेट में जो है छोटी छोटी सी बफौरी जो है वो तोड़ लेनी है। तो जितना साइज़ आपको रखना है, अगर आप इससे भी छोटा बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो बस इस साइज़ की मैंने इसमें देखिए इतनी बना के रख ली हैं। तो एक पोर्शन में इतना हो रहा है, तो इतना पहले बना लेंगे, फिर हम नेक्स्ट बैच में दूसरी भी बना लेंगे। अब इसको अच्छे से स्टीम करना है, तो कम से कम इसमें 7 से 8 मिनट लगेगा, बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से स्टीम हो जाएगी। तो जब हम चाकू से निकालेंगे ना, तो ये आराम से निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे टाइम हो चुका है, तो एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको निकालती, ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से ये अब निकल जा रही हैं, और मैं आपको इसको उठा के भी दिखाऊंगी। तो उसको छूने पे देखिए गीलापन आपको नहीं लगेगा, दाल अंदर से अच्छे से पक चुकी है। आप थोड़ा सा चाकू अंदर डाल के भी इसको चेक कर सकते हैं। तो अब इसको निकाल के हम बाकी का अपना जो जितना हमारा बैटर है सबका हम अच्छे से इसमें बना लेंगे बफौरी। अब जो हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली हुई है, हमने बाकी सारा पोर्शन बना के रेडी कर लिया है। तो कढ़ाई में तेल डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच और उस पर डालेंगे 1 टीस्पून राई। राई क्रैकल होने देंगे और उसके बाद हम इस पर डालेंगे करी पत्ता। तो देखिए इसमें यहाँ पे भी आप फ्राई करने के टाइम पे थोड़ी सी हरी मिर्च जो है वो आप लंबाई में काट के डाल सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों ही हमने अंदर डाली हुई है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। अब बस इनको अच्छे से हमको मिला लेना है। तो थोड़ा देर के लिए इसको हम इस तरीके से मिलाने के बाद इसे छोड़ेंगे ना, तो इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा और उसके बाद हमारी बफौरी जो है वो बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इसमें कुछ भी मसाले नहीं पड़ेंगे, बहुत ही सिंपल चीज़ों से और बहुत ही हेल्दी रेसिपी, बहुत ही हेल्दी नाश्ता हमारा बनके जो है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए हम इसको एक बार इस तरीके से अभी छोड़ दे रहे हैं और हम थोड़ी सी देर के बाद फिर पलटेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इसमें कलर है ना, देखिए एक साइड से कितना बढ़िया आ गया है। बस यहाँ पे हमारी बफौरी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे और इसे हम सर्व करेंगे। अच्छा, अगर आप इसे इस तरीके से नाश्ते के जैसे खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, वरना अगर आपके पास में कुछ ज़्यादा बन गई हैं या ज़्यादा बच गई है ना, तो आप इसे क्या कर सकते हैं कि प्याज का मसाला जो हम सब्जी के लिए बनाते हैं ना, उस तरीके की आप ग्रेवी बनाइए और उसमें इसको डालिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी है, बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस नाश्ता है। एक बार इसे बना के ज़रूर देखिएगा, और अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई है ना, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।